वेलकम गाइस। नाउ अभी हम देखेंगे कॉर्नर पीस कैसे लगाने। सो कॉर्नर पीस के लिए पहले हमारा ये जो बीच में का व्हाइट है ये लग के रेडी होना चाहिए। जो क्रॉस अभी हमने लगाया वो लगने के बाद हमें जब कॉर्नर लगाना होता है तो कॉर्नर हमारे राइट साइड में यहाँ पे फ्रंट में होना जरूरी है। ओके, सो फ्रंट में ये एक तो राइट साइड में आ सकता है, फ्रंट में आ सकता है या अपर में आ सकता है। तो ये थ्री फॉर्मूले, तीनों भी फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिए हैं कॉर्नर के लिए। तो कॉर्नर के लिए हमें यूज करने हैं। तो अगर आपका कॉर्नर कहीं पे भी होता है तो उसको आपको यहाँ पे लेके आना है। जैसे अभी देखो ये यहाँ पे है तो मैं उसको पहले मेरे राइट साइड में लेके आई हूँ। और ये कॉर्नर के बाजू में दो कलर जो रहते हैं, जैसे ये रेड है और इसके बाजू में ब्लू है, तो ये रेड और ब्लू ये दोनों कलर को पहले हमें मैच करना है वो दोनों कलर के साथ। तो मैच कैसे करेंगे, देखो रेड और ब्लू, ये देखो ये ब्लू ब्लू मैच हो गया और ये रेड ऊपर है तो ये यहाँ पे रेड है। इस तरह से हमने उसको मैच कर लिया। और इसके बाद ये आ रहा है मेरे राइट साइड में, तो हम ये पहला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे राइट साइड का। सो आर यू आर डैश। ओके, और देखेंगे अभी कॉर्नर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको पहले मुझे राइट कॉर्नर फ्रंट में लेके आना है। तो ये आ गया मेरे फ्रंट में। अभी इसके ऊपर ये दो कलर है, एक ऑरेंज है और एक ब्लू है। सो ब्लू ब्लू मैच हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज भी मैच हो रहा है। तो मैं ये फ्रंट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रही हूँ, एफ डैश एंटी क्लॉक वाइज, देन यू डैश एंटी क्लॉक वाइज और फिर यफ यफ। ओके, और देखेंगे कॉर्नर कहाँ पे है। अभी देखो ये व्हाइट लग के रेडी है पर ये हमारा पूरा मैच नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो जब रेडी होता है तो इस तरह से ये टी बन के रेडी होता है, ये पूरा लेयर लग के रेडी होता है। तो ये अभी तक हमारा लगा नहीं है। ओके, तो पहले हमें उसको लगाना है, करेक्ट लगाना है। ओके, तो ये देखो इसको मैं ऊपर लेके आई हूँ और ऊपर ये अभी आया मेरे फ्रंट में। सो फ्रंट में ये ऊपर के दो कलर हैं, एक है रेड और एक है ग्रीन। सो ग्रीन ग्रीन मैच है, यहाँ पे रेड है यहाँ पे रेड लाया, तो ये मेरे फ्रंट में आ गया। अभी फ्रंट का फॉर्मूला यूज करूंगी मैं, एफ डैश यू डैश और या ऐसे। ओके, और देखेंगे व्हाइट कहाँ पे है, ये अभी यहाँ पे है। ये व्हाइट के बाजू में यहाँ पे है ऑरेंज और ग्रीन। ये ऑरेंज और ग्रीन ये दोनों कलर को पहले मैच कर लेंगे। ये यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज मैच कर लिया और ये ग्रीन ग्रीन मैच कर लिया। तो ये मेरे आ गया राइट में। सो राइट का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे आर यू और आर डैश। अभी देखो अब ये पूरा लेयर लग के रेडी है, पूरा ब्लू है ऑरेंज ग्रीन और रेड। इस तरह से जब होता है तब जाके हमारा ये पूरा लेयर पूरा क्लियर होता है। ओके, सो इसकी पूरी प्रैक्टिस करो और फिर जाएंगे नेक्स्ट।